वेलकम फ्रेंड्स टू दिस डीटेक यूट्यूब चैनल। आज हम आपको दिखाऊंगा रेडमी नोट 5 प्रो एंड ऑनर 9 लाइट इस दोनों की एप्लीकेशन के ओपनिंग स्पीड के बारे में। तो यहाँ पे ऑनरली इस एप्लीकेशन को ओपनिंग करके दिखाया जाएगा, यहाँ पे दिखाया जाएगा कि आपके रैम कितने ज़्यादा ऑप्टिमाइज है। मतलब आप एक एप्लीकेशन को यूज करते करते छोड़ देते हो, तो अगर उसके बाद आप बहुत सारे एप्लीकेशन यूज कर चुके हो, उसके बाद भी वो एप्लीकेशन पहले वाला जो एप्लीकेशन आप ओपन किया था वो ओपन रहता है, या फिर उसे आपके जो मतलब रैम किल कर देता, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं मतलब कौन सा मोबाइल इस एग्जाम में खराब उतरता है। दोस्तों मेरे लेफ्ट हैंड पे देख सकते हो ऑनर 9 लाइट और राइट साइड में देख सकते हो रेडमी नोट 5 प्रो। तो ऑनर 9 लाइट में जो स्पेसिफिकेशन है वो आता है 3GB रैम के साथ और 32GB रोम के साथ, और इसके स्क्रीन जो लगाया गया है वो 5.65 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया हुआ है, और इसके जो कैमरा है फ्रंट पे भी 2 कैमरा है और बैक पे भी 2 कैमरा है, और इसके साथ आपको मिल रहा है 3000 mAh की बैटरी, और इसका जो मेन प्रोसेसर दिया हुआ है वो है कीरिन 659 का प्रोसेसर दिया हुआ है, और जो राइट साइड में है वो है रेडमी नोट 5 प्रो। और इसके स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4GB रैम एंड 64GB रोम, और इसकी जो स्क्रीन है 5.99 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले, और ये बाकी यहाँ पे ऑनर 9 लाइट से थोड़ा सा बड़ा है, और इसके जो कैमरा दिया हुआ है बैक रियर कैमरा में 12.5 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा दिया हुआ है, और फ्रंट में ओनली 20 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा दिया हुआ है। बट यहाँ पे AI का कुछ भी सपोर्ट नहीं है, बट बैटरी में आपको 4000 mAh का लिथियम पॉलीमर बैटरी आपको मिल रहा है, और इसके जो प्रोसेसर दिया हुआ है वो स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी दोनों मोबाइल्स को रिबूट कर चुका हूँ, और Redmi Note 5 Pro ने ऑन हो गया, बट ऑनर ने थोड़ा सा टाइम ले रहा है, और ये अभी ऑन हो भी जाएगा थोड़ी देर में, ये ऑन हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो Redmi Note 5 Pro ने बहुत पहले ही ओपन हो गया, और अभी इसके स्पीड टेस्ट देख लेता हूँ। इसके पहले कैमरा को ओपन करता हूँ। यहाँ पे कैमरा Redmi Note 5 Pro ने ऑलरेडी ओपन हो गया, और यहाँ पे इसके बाद ऑनर 9 लाइट ने ओपन हुआ, तो बट कैमरा बैक कैमरा ओपन था इसलिए आपको समझ नहीं आया होगा, और कॉन्टैक्ट्स सेम टाइम में ही ओपन हुआ। तो इसके बाद जो एप्लीकेशन है SMS का, इसे ओपन कर लेता हूँ, ये भी सेम टू सेम टाइम में ही ओपन हुआ, तो एक कोई फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा आपको। और इसके बाद यहाँ पे भी टच पैड बहुत स्मूथ है, और इसके बाद एक गेम को ओपन कर लेता हूँ, और वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कितने ज़्यादा स्पीड में ओपन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो Redmi Note 5 Pro ने थोड़ा सा फर्स्ट जीत गया है यहाँ पे। और इसके बाद और एक गेम को ओपन करता हूँ मैं, यहाँ पे टेम्पल रन पे भी Redmi Note 5 Pro ने पहले ही बाजी मार दिया। यहाँ पे देख सकते हो लोडिंग होना स्टार्ट हो गया, अब भी Redmi 9 लाइट में नहीं लोडिंग हुआ है, यहाँ पे Redmi Note 5 Pro में ऑलरेडी स्टार्ट हो गया, अभी यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। तो इस टेस्ट में भी Redmi Note 5 Pro नहीं जीता, तो मैं और एक गेम को देख लेता हूँ यहाँ पे, उसके बाद इस गेम को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हो दोनों एक साथ ही ओपन हुआ, बट Redmi Note 5 Pro ने पहले ही लोडिंग ले लिया, और मुझे लगता है कि Redmi Note 5 Pro ने ही पहले गेम को भी स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे दोनों ही एक साथ स्टार्ट हुआ, बट लोडिंग पहले Redmi Note 5 Pro ने किया। और इसके बाद और एक गेम को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे भी देख सकते हो Redmi Note 5 Pro ने पहले ही ओपन हो गया, और यहाँ पे स्टार्ट भी हो जाएगा शायद, यहाँ पे दोनों एक साथ आया, बट Redmi Note 5 ने पहले ही स्टार्ट हो गया। तो इसके बाद और एक गेम है, इसे भी ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि कौन सा फास्ट ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे अब भी देख सकते हो कि Asphalt 8 भी Redmi Note 5 Pro ने ही पहले ही लोड हुआ। तो यहाँ पे जो बात आ रहा है कि जो नॉर्मल सब के एप्लीकेशन है, मतलब कॉन्टैक्ट्स, SMS, YouTube, Facebook, WhatsApp, ये सब कुछ आपको नॉर्मली खुल जाएगा, मतलब आपको ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा कि कौन सा मोबाइल पे फास्ट हो रहा है, कौन सा मोबाइल पे आगे हो रहा है, पीछे हो रहा है। बट अगर आप हेवी गेम खेलते हो या फिर बड़ा बड़ा गेमिंग का एप्लीकेशन रन करते हो, तो जस्ट सम सेकेंड का एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा।
तो अभी आपको दिखाऊंगा मैं कि इसके रैम का जो मतलब उसका कैसे ऑप्टिमाइज किया गया है वो आपको मैं दिखाऊंगा। मतलब जो एप्लीकेशन अभी रन किया वो बैकग्राउंड में है, और अभी आप इसे ओपन करता हूँ तो क्या वो जिस स्टेट्स में मैं छोड़ा था उस स्टेट में है या फिर पहले से ही लोड लेगा। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी वही रेडमी नोट 5 ने पहले जीता, और ये सेम टू सेम टाइम पे ओपन हुआ। SMS भी थोड़ा सा रेडमी नोट 5 प्रो ने फास्ट हो गया अभी। तो इसे देख लेते हैं और गेम को देख लेता हूँ। यहाँ पे गेम वही स्टेट में है, रैम ऑप्टिमाइज बहुत ज़्यादा अच्छे से किया गया है, और ये एप्लीकेशन भी वही स्टेट में है। हालांकि रेडमी नोट 5 प्रो फास्ट है, बट दोनों मोबाइल पे रैम का ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छे से किया गया है। और क्योंकि जहाँ पे मैं उस गेम को छोड़ा था वही से ही ये स्टार्ट हो रहा है। तो इसे भी लास्ट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे रेडमी नोट 5 प्रो ने ओपन हो गया, और ये भी ओपन हुआ, थोड़ा सा टाइम लिया। तो यहाँ पे अल्टीमेटली जो रिजल्ट आ रहा है वो रेडमी नोट 5 प्रो में बेस्ट परफॉर्मेंस आपको मिलेगा, बट ऑनर 9 लाइट में भी आपको बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, ये बात नहीं है, बट थोड़ा सा स्लो है। अगर आप नॉर्मली जो वर्क है मतलब डेली का जो एप्लीकेशन रोज यूज होता है वो सब यूज करते हो तो आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, और अगर आप इंडिविजुअली दोनों मोबाइल को यूज करते हो तब भी आपको स्पीड का डिफरेंस नहीं मालूम चलेगा। मतलब फास्ट बहुत फास्ट है, थोड़ा सा इधर उधर है। तो जो मोबाइल आपको पसंद आए वो आप ले सकते हो, बट रेडमी नोट 5 प्रो परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा होगा मुझे लगता है ये, क्योंकि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर कि इनसे अच्छा है, ये मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हम लोग के साथ बने रहिए।